हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एंड विद जीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। सो इन द सीरीज ऑफ करेंट अफेयर्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस फॉर द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, सो माय टुडेज टॉपिक इज रिगार्डिंग द ग्रीन बॉन्ड्स व्हिच हैव बीन अनाउंस्ड बाय द RBI टू बी इशूड फ्रॉम दिस मंथ एंड इन द नेक्स्ट मंथ। तो आइए जानते हैं एक ग्रीन बॉन्ड क्या है और इसके विषय में इसका एम क्या है गवर्नमेंट के का लॉन्च करने के पीछे, और इसका जो फ्यूचर बेनिफिट्स होगा वो क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड एक्चुअली जो हमारा बजट पिछला बजट अनाउंस हुआ था 2022 और 23 का, उसमें ये अनाउंस किया गया था कि RBI जो एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू करेगी आने वाले समय में, सो दैट ऑल द ग्रीन प्रोजेक्ट्स शुड बी फाइनेंस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फाइनेंस या फिर विद द हेल्प ऑफ दिस फंड्स विच विल बी रेस्ड थ्रू द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के द्वारा जो भी फंड रेज होगा उस फंड के द्वारा गवर्नमेंट अपने ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगी, ऐसा प्रपोजल बनाया गया था इस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के पीछे। तो अभी RBI ने इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है 16,000 करोड़ रुपए का इशू करेगी। इसको दो चरणों में इशू किया जाएगा। पहले चरण में 8,000 करोड़ रुपए इशू किए जाएंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए, और दूसरे चरण में 8,000 करोड़ रुपए इशू किए जाएंगे। तो जो फर्स्ट चरण है वो उसका पहला जो यू कैन से द ग्रीन बॉन्ड इशुएंस या IPOs ऑफ द ग्रीन बॉन्ड्स विल बी इनिशिएटेड फ्रॉम 25th ऑफ दिस मंथ। 25 जनवरी से वो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किए जाएंगे, एक 25 जनवरी को, और दूसरा जो है 4,000 करोड़ का वो 9 फरवरी को। तो ये 8,000 करोड़ का ये बाइफरकेशन करके इसको दो पार्ट्स में कर दिया गया है, 25 जनवरी और 9 फरवरी को 4,000 करोड़ रुपये का। तो ये भी इसका RBI का स्टेज वन का लॉन्चिंग का प्लान है। अभी इसका ग्रीन बॉन्ड इशू करने के पीछे गवर्नमेंट का एम क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बिहाइंड द इशुएंस ऑफ द ग्रीन बॉन्ड्स। एंड कोई भी नया स्कीम या कोई भी नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो उसके पीछे का जो इंटेंशंस होता है या उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है, एज ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स आर एनी स्कीम। तो यहाँ पे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट्स का वो ये है कि इस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के द्वारा जो फंड रेज होगा उस फंड के द्वारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स, उनको फाइनेंस करेगी। अभी ग्रीन प्रोजेक्ट्स क्या है गवर्नमेंट के, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में जैसे रीन्यूएबल इनर्जी के रिसोर्सेज जो हैं उनमें जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया जाएगा। साथ ही में आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए इसका फंड यूटिलाइज किया जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर या यू कैन से द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यू कैन से या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शंस होंगे उसके लिए जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स होगी उसके लिए यूज किया जाएगा इस फंड का, जो कि ग्रीन बॉन्ड के थ्रू इनिशिएट किया जाएगा। साथ ही में साथ इसका और भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे टू मीट द क्लाइमेट चेंज ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव अनाउंस्ड इन अगस्त 2022 दैट टिल 2030 इंडिया जो है अपना टोटल जो इमिजन इंटेंसिटी है ऑफ टोटल इमिजन इंटेंसिटी ऑफ द GDP दैट विल बी रिड्यूस्ड अप टू 45% फ्रॉम 2023। मतलब जो टोटल GDP देश की GDP के लिए जो भी पावर की रिक्वायरमेंट्स है उसमें जो कार्बन इंटेंसिव पावर्स की रिक्वायरमेंट है उसको कम करेगा इंडिया 45% तक,
कब तक, 2020-30 तक। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस्ड कर दिया है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि प्रोडक्शन हैम्पर्ड ना हो, प्रोडक्शन में कोई ऑब्स्टिकल ना क्रिएट हो, ग्रोथ में कोई, इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई ऑब्स्टिकल ना क्रिएट हो, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हमें रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी लानी होगी, और इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए जो फंडिंग्स है वो ओनली फ्रॉम द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, द फंडिंग इज नॉट सफिशियंट। दैट्स वाई गवर्नमेंट हैव रेज द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सो दैट द फॉरेन इन्वेस्टर्स शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन टू दिस पर्टिकुलर स्कीम्स, एंड इट मे हेल्प टू द गवर्नमेंट फॉर मीटिंग देयर ऑब्लिगेशंस, देयर टारगेट्स टूअर्ड्स 2023। तो ये सब सारी जो नीड्स है गवर्नमेंट की, इनको पूरा करने के लिए इन्होंने ये स्टेप्स लिया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक दूसरा टारगेट भी फिक्स किया है कि 2030 तक गवर्नमेंट का जो टोटल एनर्जी सेक्टर है वो 50% नॉन फॉसिल फ्यूल्स डोमिनेटेड हो जाएगा। मतलब कहने का कि जो कार्बन रहित एनर्जी है वो हमारा 50% तक हो जाएगा 2030 तक। ये गवर्नमेंट का एक और संकल्प है। तो इस दो संकल्प को पूरा करने के लिए और साथ ही साथ एक एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल मोड में लाने के लिए, ताकि हमारा प्रोडक्शन जो भी है वो सस्टेनेबली प्रोडक्शन हो, तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने सॉवरेन बॉन्ड का स्कीम लॉन्च किया है। ये गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, सो दैट देयर शुड बी अ विन विन ऑफर फॉर बोथ इन्वेस्टर्स एज मच एज फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड एनवायरनमेंट टू। या तो सबके लिए एक विन विन ऑफर होगा, यहाँ पे वातावरण भी स्वच्छ होगा, इन्वेस्टर्स को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आने वाला समय भी ग्रीन एनर्जी का है, ग्रीन सेक्टर्स का है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, तो गवर्नमेंट को भी फायदा है। सबके लिए बहुत ही फायदेमंद स्कीम है, इसका बेनिफिट्स हर किसी को मिलेगा। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का, इस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने के पीछे। साथ ही साथ अभी जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है, ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को क्या होगा, आपकी आरबीआई इशू कर रही है ये सॉवरेन। अभी इसमें एक वर्ड आ रहा है सॉवरेन, तो सॉवरेन वर्ड से आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लू निकाल लेना चाहिए, मीनिंग समझ जाना चाहिए, कि जहाँ भी सॉवरेन वर्ड्स आ गए इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, अभी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बॉन्ड है जो आरबीआई इशू कर रही है। यू ऑल्सो नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉवरेन हियर। वेयर एवर यू विल फाइंड सॉवरेन इन अवर कंट्री, इट मीन्स इट इज एब्सोल्युटली ए प्योर मटेरियल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑब्लिगेशंस या विच लाइबिलिटीज, विच कंटेन्स द लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हियर इज द टर्म्स, वेयर इज द मीनिंग ऑफ द टर्म्स सॉवरेन। तो ये बिल्कुल सिक्योर होगा, कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी जो इसको स्टॉक के ऊपर डाल दिया जाएगा इस ग्रीन बॉन्ड को, और जो है इसको आप ट्रेड कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल ऑफर है, एंड ऑफ कोर्स फॉर दोज हु इज क्लाइमेट फ्रेंडली इन्वेस्टर्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्लाइमेट फ्रेंडली होते हैं, सोचते हैं मेरा इनकम भी हो, साथ में हमारा इन्वायरमेंट भी स्वच्छ रहे, तो उन सबों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे गवर्नमेंट क्रिएट करने जा रही है या देने जा रही है, ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट करें, अपना प्रॉफिट मिले, साथ ही साथ अपना प्रकृति के प्रति उनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो भी सिक्योर रहे। इन सबों को ध्यान में रखते ही इस चीज़ को लॉन्च किया जा रहा है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो हमारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, खासकर ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में से ज़्यादा पूछे जाएंगे, उसमें पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बिकॉज वहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और वहाँ फिर आपसे क्वेश्चन उसी के बेस पे पूछा जाएगा। अभी इसमें जो इस अपना कोई भी टेक्निकल पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करके क्वेश्चन को या ऑप्शंस को डेविएट कर दिया जाएगा,
और आपसे उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. सो इफ यू विल नॉट बी एबल टू नो इन डिटेल्स अबाउट द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स देन इट मे बी दैट यू वे सफर ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन व्हेन यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर्स ऑफ द एमसीक्यूज. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के सारे टर्म्स एंड कंडीशन, इसके जो स्टैक होल्डर्स होंगे, कौन इशू कर रहा है, क्या इसका टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें क्या है एक्सेट्रा, जो कुछ भी है होता क्या है, इस सब का डिटेल्स जान लीजिएगा सो दैट यदि क्वेश्चन आए तो उसको आप अच्छे से टैकल कर सकें. तो ये था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स. आई होप यू गेट सम अवेयरनेस अबाउट द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स. तो इसके बारे में यदि और भी कुछ कमेंट्स है, इफ़ यू वॉन्ट टू नो इन डिटेल्स अबाउट द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स देन प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एंड फर्दर आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू दैट यू शुड गो एंड सर्व द गूगल इफ यू वॉन्ट टू नो इन डिटेल्स अबाउट द ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सो दैट you should be able to give the answers of all the questions related to the sovereign green bonds. So, ye tha aaj ka topic and I hope you have get something from this informative videos. And further, I would like to share you all that please like, subscribe and share these channels. As much as subscribers will be here and will likes and comments over my videos, it will motivate me for further enhancement in the videos, in the lectures and the contents which I am providing you. And it is also beneficial for you all to get updated with the latest trends, latest going on in the governments at the national and in the international levels. So thank you very much for watching this video.